अपने रिलेटिव में ही मैंने एक व्यक्ति को वो दिखाया कि देखिए आज मैं डिस्ट्रिक्ट विनर हुआ हूँ डांस कंपटीशन में, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपया के बाद। अच्छा। कुल मिलाकर कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आने वाले भविष्य में भी जो भी बड़े लेवल पे जाएंगे, कोई भी सिंगर हो कोई भी एक्टर हो, तो प्लीज़ इस तरह का काम ना करें। कि कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कोई बचा तो नहीं है भोजपुरी में, लगभग जो भी हमारे छोटे बड़े स्टार आजकल सुपरस्टार कहे जाते हैं सबका एल्बम मैंने शुरुआती दौर से ही मैंने रितेश को देखा है, और उसके अंदर सहन शक्ति बहुत काफ़ी है, सोचने की क्षमता भी बहुत अच्छी है। नमस्कार, न्यूज सुपर 7 देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार हिमांशु। आज मैं मौजूद हूं रॉक्स फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, और हमारे साथ मौजूद हैं रॉक फिल्म प्रोडक्शन के डायरेक्टर और सह कोरियोग्राफर सुनील रॉक जी। और बड़ा ही आज अच्छा समय है कि आज हम लोग सर का इंटरव्यू लेने आए हैं, और आज इनका जन्मदिन भी है। तो सर, सबसे पहले न्यूज़ सुपर 7 की पूरी टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आज जन्मदिन है, और सबसे पहले आप सभी पूरे देशवासियों को और आपको भी नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। सर, आज हम लोग बात करेंगे कोरियोग्राफी से संबंधित और आपके जर्नी से संबंधित। यदि हम पूरे रोहतास ज़िले में बात करें तो ये अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, क्योंकि जब हम लोग बात करते हैं नृत्य से तो पूरे पहले से ही, प्राचीन समय से ही नृत्य में अपने एक अलग छवि है नृत्य का, और उसमें एक सर अपना नाम जो है ये प्रस्तुत कर रहे हैं और अपना एक अलग सा छवि बनाया है इन्होंने। तो हम लोग सबसे सर आपके जर्नी से बात करेंगे कि कैसे आपने ये चीज़ सेलेक्ट किया कि आपको एक कोरियोग्राफर ही बनना है और भोजपुरी में काम करना है सर, और कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है? क्योंकि आपने सवाल ऐसा किया है कि बहुत पीछे जाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, इसको हम लोग संक्षिप्त में यानी छोटे शब्दों में लेते हैं। शुरुआत हुआ अपने स्कूल में डांस करने से, फिर धीरे धीरे एक बहुत ही साउथ के अच्छे एक्टर हैं, कोरियोग्राफर भी हैं, प्रभु देवा जी, तो उनका डांस मुझे भा गया, मुझे अच्छा लगने लगा। फिर करते करते छोटे छोटे कंपटीशन में जाना, फिर कहीं थर्ड आ रहे हैं, कहीं सेकंड आ रहे हैं, कहीं फर्स्ट आ रहे हैं, फिर अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर पूरे बिहार लेवल पे, फिर बोगी वोगी तक का सफ़र तय हुआ, फिर डांस क्लास अपना खुल गया 3-4 जिलों में, जैसे डेहरी हो गया, सासाराम, औरंगाबाद, आसपास, पटना। तो ये सफ़र काफ़ी लंबा है, तो संक्षिप्त में कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, और धीरे धीरे जा कर के कुछ एल्बम मुझे मिलने शुरू हुए शुरुआती दौर में, तो फिर यहाँ तक का सफ़र है। इस बीच में कई लाख एल्बम मैंने शूट किया, सैकड़ों फिल्म मैंने किया, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा। जब लोगों ने सराहा कि भाई मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिलने लगा, तो हम लोग भी लगे रहे, और आज 20 साल से ऊपर होने जा रहा है, और आज बर्थडे भी है। तो सर, ये रही आपके जर्नी की बात। सर, जब होता क्या है कि एक बच्चा जो गांव से शुरू होता है, और वो आज की यदि हम दौर की बात करें, जब आपने 20 साल पहले शुरू किया होगा स्कूल में आप डांस करते होंगे, तो सर एक गांव की जो प्रथा है वहां से प्रेशर होता है लोगों का, हमारे समाज का, क्या रही देखा ना लेकिन वह नाचता है, तो सर ये टैग वर्ड कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो कि इससे कट चुके हैं। सर, उनका स्किल है वो, लेकिन कुछ समाज के वो लोग जो कि उनको टोंट कर देते हैं और वो बच्चा वहीं से बैक चला जाता है। यदि सुनील रॉक भी वहाँ से बैक हो जाते और उनके साथ भी यदि ऐसा होता तो फिर आगे सर ये तो नहीं हो पाती, आपके नज़र में ये क्या है? ऐसा मेरे साथ भी एक्चुअली में बहुत सारा हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट चैम्पियन ट्रॉफी था एक 2003 में, मैं उसमें विनर हुआ, और विनर होने के बाद एक बड़ा सा शील्ड मुझे मिला, और 501 रुपये का इनाम था उसमें। तो अपने रिलेटिव में ही मैंने एक व्यक्ति को वो दिखाया कि देखिए आज मैं डिस्ट्रिक्ट विनर हुआ हूँ डांस कंपटीशन में, तो उन्होंने कहा कि 100 रुपया के बाद। अच्छा।
तो ये सोच करके, क्योंकि वो इस फील्ड के बारे में, कला के बारे में उनको ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने इस तरीका से बोला। बट मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे पता है कि जितने लोगों के बीच में मैंने ये प्राइज़ लिया है उसकी क्या अहमियत हो सकती है ये मैं जानता हूँ, जो लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं। क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि 20 साल पहले 18 साल पहले इन चीज़ों में ज़्यादा लोग नहीं घुलना मिलना चाह रहे थे, नहीं इस काम में आ रहे थे, लेकिन आज ये बड़े घरों के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है। सब लोग खुद शामिल हो रहे हैं। बच्चे अगर, जैसे माता पिता चाह रहे हैं कि अगर मेरा बेटा कलाकारी लाइन में जाना चाहता है तो लोग खुद ब खुद कहते हैं कि जाओ इसको सीखो और फिर इसी में अपना कैरियर बनाओ। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें कैरियर है। अगर आपके घर का बच्चा अगर अच्छा डांस करता है, अच्छा एक्टिंग करता है, तो आप कैरियर बना सकते हैं, इसमें कहीं से भी शक नहीं है। मतलब ये गलत नहीं है। एक नौकरी में मुझे क्या मिलता है, कोई भी पर्सन हो, नौकरी में मिलता है कि चलिए महीने का फिक्स प्राइस हो गया आपको 20,000-25,000 जो भी समथिंग मिलता हो, 50,000 मान लिया। इसमें अनलिमिटेड है, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि अलग करने के लिए अलग तो होना ही पड़ेगा, ये तो आसान नहीं है। तो काफ़ी कैरियर है इसमें, और मैं देख रहा हूँ हमारे सामने से लोग, इतने सारे लोग इस लाइन में जुड़े और जुड़ने के बाद आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर आपने बात किया कि कैरियर तो है, लोग जॉब में जो कर सकते हैं वो एक फिक्स प्राइस उनको अपने वर्क के अकॉर्डिंग उनको मिलता होगा। तो सर हमारी बिहार सरकार, क्योंकि जो कला का क्षेत्र है इसमें कहीं ना कहीं सरकार भी की भी अहम भूमिका होनी चाहिए, तो किस प्रकार से सरकार आप लोगों की मदद कर रही है और कहाँ तक तो उन्होंने किया है सर? जैसे बॉम्बे हम लोग शूटिंग के लिए जाते हैं, सारा कुछ आसान होता है वहाँ पे। अगर उस तरह का व्यवस्था यहाँ पे हमारे बिहार में हो जाए, अभी गोरखपुर में रवि किशन जी वैसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन को हायर करके वहाँ पे स्टूडियो बनाया जा रहा है ताकि वहाँ पे आप फिल्म शूट कर सकते हैं। अगर उस तरह से हमारे बिहार में अगर ऐसा हो जाए, हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री जो भी प्रेजेंट में हैं और आगे भी जो रहेंगे, तो अगर कोई भी चाह जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग यहाँ यूपी बिहार से भाग के लोग बॉम्बे जाते हैं फिल्म करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध है, अगर वो चीज़ें यहाँ पे मुहैया करा दिया जाए तो मुझे लगता है कि हम लोग को जाने की ज़रूरत नहीं है और ख़ुद करोड़ों लोगों को यहाँ पर काम करने का मौका मिलेगा, हुनर भी दिखाए और कमा भी सकते हैं। सर आपने बात किया कि जैसे हम लोग बॉम्बे शूट करने जाते हैं, तो सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ तक मैं इस चीज़ को समझ पाता हूँ, वहाँ पे सर एक सीन क्रिएट करना होता होगा आप लोगों को, कि गांव का सीन क्रिएट करना है, ये झोपड़ी है, ये पुराना गांव के खपड़ेल मकान है। लेकिन सर हमारे बिहार में वैसे वैसे वो एक्चुअल में वो सीन आपके पास है, लेकिन जब हम उसी सीन के लिए बाहर में जाएंगे सर, हम पे करें और लेकिन हमारे यहाँ वो चीज़ वास्तविक में है, तो कितना फ़र्क पड़ता है सर? फ़र्क तो काफ़ी पड़ता है। कारण क्या है कि जो स्क्रिप्ट की आपने बात कही, तो जो एज ए डायरेक्टर जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखा होता है उसके हिसाब से कोई भी क्रिएशन होता है। जैसे हम लोग, मैं कोरियोग्राफर हूँ तो मुझे गाने के ऊपर काम करना होता है कि फिल्म में जो कहानी चल रही है उससे रिलेटेड सॉन्ग होते हैं और उस सॉन्ग को मैं उस सीन के हिसाब से फिल्माता हूँ, यानी उस फिल्म का स्टोरी जो है उसके हिसाब से मैं फिल्माता हूँ, वो मेरा काम है। और जहाँ तक रही सीन की बात, तो ये सही आपने कहा कि अगर जो चीज़ हमें यहाँ फ्री में मिल जाता है, जैसे आप बॉम्बे में शूट करेंगे, अगर 5 लोगों को पीछे खड़ा भी करना है तो मुझे लगता है कि उसके लिए पैसे पे करने होंगे, और यहाँ पे वो लोग ऐसे ही मिल जाएंगे आपको, क्योंकि लोगों के पास काम ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात की बेरोज़गारी है हमारे यहाँ। अगर काम जिसके पास रहेगा, अपना काम छोड़ करके आपका फिल्म का शूटिंग नहीं देख सकता। तो अगर ये सारी अरेंजमेंट हमारे बिहार में हो जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आने वाले दिन में प्रॉब्लम होगा। सर ये सब तो बातें हुई कोरियोग्राफर से संबंधित और भोजपुरी से संबंधित। सर हम लोग बात करेंगे अपने भोजपुरी जो इंडस्ट्री है उसके बारे में, क्योंकि काफ़ी चर्चा में कुछ बातें आ रही हैं और बहुत सारी चर्चाएं होती हैं हमारे भोजपुरी को लेके। यदि हम लोग बात करें सर, तो हम लोग आज तक इसको 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ पाए हैं, जैसा कि रवि किशन जी ने इसके लिए आवाज़ भी उठाया है। और हमारा जो भोजपुरी है अलग अलग देशों में, इंटरनेशनल देशों में भी बोला जाता है, चाहे वो मॉरिशस हो या दुबई हो, अलग अलग जगहों पे। फिर हमारा भोजपुरी ऐसे क्यों लोग देखते हैं भोजपुरी को, कि ऐसा लगता है कि यदि हम भोजपुरी बोल दिए यूपी बिहार के बाहर, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता बेंगलोर हो, तो सर ऐसा लगता है कि हमने गाली दे दिया है, लोग ऐसा मतलब उनका मनोभाव बन चुका है। तो इसमें आपका क्या मत है? कुल मिला के दिन प्रतिदिन पहले से अभी में काफ़ी सुधार हुआ है। हम गर्व से कहें कि हमने के भोजपुरी बोले नहीं जाए, अनिमन लगेला।
पहले लोग ना समझते रहे, अब लोग समझने लगा है, तो ऐसा नहीं है। भोजपुरी बोलना हमारे लिए गर्व की बात है, शान की बात है, क्योंकि हम लोग यहाँ से हैं। और आज अपने भारत में ही नहीं, अपने बिहार में ही नहीं, हम लोग विदेश तक पहुँच चुके हैं। जैसे अभी फ़िलहाल में यसी फिल्म के बैनर तले हमारे रितेश पांडे, पवन सिंह, चिंटू पांडे और भी काफ़ी लोग फिल्म करने लंदन के लिए गए हुए हैं, जो वहाँ पर फिल्म का शूट स्टार्ट हो चुका है आज से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस तो हो ही रहा है, इसमें बिल्कुल शक नहीं है, और आने वाला दिन और बेटर होगा। सर, आपके रोहतास ज़िले का ही एक बेटा रितेश पांडे जी, जिनके साथ आपने भी काम किया है, और उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक स्ट्रगल्स भरी ज़िंदगी व्यतीत की, आज उसके बाद एक मुकाम हासिल किया उन्होंने। सर, कितना अच्छा लगा और काम करके सर कैसा उनके साथ महसूस हुआ आपको? शुरुआती दौर से ही मैंने रितेश को देखा है, और उसके अंदर सहन शक्ति बहुत काफ़ी है, सोचने की क्षमता भी बहुत अच्छी है, अपनों का रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है उस बंदे में, ये भी है। आज इसीलिए वो लड़का आगे है, उसके लिए सब लोग खड़े रहते हैं, क्योंकि पारिवारिक माहौल में रहा है। शुरुआती दौर में काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, जैसे एल्बम बनाना है तो पैसे की ज़रूरत पड़ती है। उस समय सीडी कैसेट्स का ज़माना था, वेब म्यूजिक बहुत बड़ी कंपनी थी, आज भी है, लेकिन अगर एक एल्बम निकालना है आपको, तो उसके लिए आप कम से कम आपके पास 8-10 हज़ार रुपये होने चाहिए, जो उस समय अवेलेबल नहीं था। काफ़ी परेशानियों के बीच रहते हुए सबके सहयोग से रितेश एक एक गाना गाना शुरू किए, और आज उस भाई का नेचर इतना बढ़िया है कि उस लेवल पे है, और टैलेंटेड लड़का है, नो डाउट। हम लोगों ने करीब से देखा है, अभी 4 दिन पहले भी हम लोगों ने एल्बम शूट किया, जो रिलीज़ भी हुआ है, तो शुरू से किए हैं, और नेचर वाइज बहुत बढ़िया रितेश, और ऐसे ही बढ़ते रहिए आप। सर, भोजपुरी में एक आए दिन ऐसे बातें होती रहती है, जो कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे वो चलता है और चर्चा का विषय बन जाता है, आपने भी उस चीज़ को देखा होगा। और दो ऐसे शख्सियत जिन जो कि एक दूसरे के आमने सामने आज हो गए हैं, कहा ऐसा जा रहा है सोशल मीडिया में, ऐसी ऐसी बातें आ रही हैं कि आमने सामने हो गए हैं, ये हमारे भोजपुरी के लिए सर कहाँ तक अच्छा है ये बात? कुल मिलाकर कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आने वाले भविष्य में भी जो भी बड़े लेवल पे जाएंगे, कोई भी सिंगर हो, कोई भी एक्टर हो, तो प्लीज़ इस तरह का काम ना करें, क्योंकि होता है कि दो लोग कुछ बोलते बोलते बड़बोलापन में काफ़ी चीज़ बोल जाते हैं, फिर उसका रिप्लाई और भी ज़्यादा उल्टा मिलता है सामने वाले से, फिर उसका रिप्लाई सुनने के बाद फिर सामने वाला और भी कुछ चीज़ें बोल जाता है, और ख़ासकर चर्चा हो रही है तो इसमें जाति धर्म वाली बात आ जा रही है कि ये जात के हैं, वो जात के हैं। तो सबसे बड़ी बात कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती, और मेरे हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो लोग भी गाना गा रहे हैं उस सबके लिए गाएं, सबके लिए कलाकारी करें, सबको खुश रखने का कोशिश करें, तो आप बहुत आगे जाएंगे। सर, मेरा एक कड़वा सवाल इसे कह सकते हैं, ये कड़वा सवाल ही है, वो इसलिए है क्योंकि ये जो भोजपुरी है ये हमारे समाज के हर वो व्यक्ति इस चीज़ को समझता है, चाहे हमारा यूपी, बिहार और झारखंड के लोग हों। जैसा कि सर लोग कुछ जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं, वो किसी का नाम लेके गाते हैं, किसी लड़की का नाम लेके गाते हैं, किसी जाति को मतलब टारगेट करके वो चीज़ गाना गाते हैं। तो सर, इसी में कहीं ना कहीं एक यदि कोई लड़की, एक बार ये सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ चला था कि आप किसी लड़की के का नाम लेके आपने गाना गाया और हो सकता है कि वो उस जगह से गुजरे, तो सर बहुत ऑकवर्ड फील होता है उस चीज़ को, तो ये आगे ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर आपका क्या मत है? इसके लिए ये खासकर वही लोग करते हैं जो नए लोग होते हैं, या कोई जान बूझ करके गा देता है, तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट यही करना है कि भविष्य में प्लीज़ ऐसा ना करें, जो लोग भी हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। अभी मैं इस प्रोडक्शन हाउस के ऑफिस में बैठा हूं, लेकिन आपको वो सेट भी दिखाऊंगा जहां से सुनील लोग बहुत ऐसे बच्चों को नृत्य सिखाते हैं, यहां से डांस का कोरियोग्राफी का कैसे काम किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और चलिए आइए हम आपको वो चीज़ दिखा। तो आइए, अभी आप देख सकते हैं कि मैं धीरे धीरे उस सेट पे पहुंचने का कोशिश कर रहा हूं, जिस सेट से सुनील रॉक जी अपने इस प्रोडक्शन हाउस से बहुत सारी एल्बम इन्होंने किया है, बहुत सारे कलाकारों के साथ किया काम किया है, साथ ही साथ ये बहुत सारे बच्चों को भी प्रशिक्षु और प्रशिक्षित करते हैं कि किस तरीके से वो इस क्षेत्र में, इस कोरियोग्राफी और नृत्य के क्षेत्र में अपना जो स्टेप है और जो लाइफ है वो सिक्योर कर सकते हैं। तो सर, हम अभी बात कर रहे थे भोजपुरी के बारे में,
तो ये आपने सेट तैयार कर रखा है, काफ़ी अच्छा सेट लग रहा है देखने में। तो सर आपने अभी तक किन किन लोगों के साथ काम किया है? कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि कोई बचा तो नहीं है भोजपुरी में। लगभग जो भी हमारे छोटे बड़े स्टार, आजकल सुपरस्टार कहे जाते हैं, सबका एल्बम मैंने किया हुआ है। सबसे मज़ा किसके साथ आया सर? ये एकदम थोड़ा सा हट के सवाल है, क्योंकि हमारे भोजपुरी में एक वर्ड आता है कि मज़ा आ गया, तो ये मज़ा किसके साथ आया? नाम नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे लिए सब लोग बराबर हैं और मैं एक वर्कर हूँ, कोरियोग्राफर हूँ। बता सकते हैं कौन गाना है जिस गाने, बहुत सारा गाना है, जैसे रितेश का गाना है पियबा से पहले हमार रहलू, बहुत बड़ा हिट है। पवन सिंह का लॉलीपॉप लागेलू, तो इस तरह लॉलीपॉप लागेलू, ये तो एक ऐसा गाना बन चुका है जो कि इंटरनेशनल, यदि हम लोग इंटरनेशनल में बात करें तो भोजपुरी का एक पहचान बन चुका है लॉलीपॉप लागेलू, और वो गाना आपने शूट किया सर। तो उसका जो स्क्रिप्ट था, कितना मेहनत करना पड़ा था उस गाने के लिए? उसके लिए 2-3 दिन पहले से हम लोग प्रिपेयर होना पड़ा हम लोगों को, और दिल्ली में हम लोगों ने शूट किया था। उसका रिमिक्स भी बना जिसमें मैंने खुद काम किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा सॉन्ग और अच्छा लगता है सुन करके कि भाई वर्ल्ड फेम सॉन्ग है और हर जगह लोग सुनते हैं। अब बाहर में जाएंगे, विदेशों में तो पॉप्स वगैरह में बजते रहता है गाना, तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो भाई कुछ तो किया ज़िंदगी में जो हर जगह बज रहा है। सर अब हम लोग इस इंटरव्यू के आखिरी पड़ाव पर लगभग पहुंच चुके हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप जो नए बच्चे हैं जो इस क्षेत्र में चाहते हैं कि एक अपना नाम कमा सकें, और एक जिस तरीके से आपने उस गांव से, उस मिट्टी से उठ करके आज यहां तक आप पहुंचे हुए हैं, और भोजपुरी के लिए आपने अपनी वो जो स्किल है, जो हुनर है, उसको आपने दिखाया है, और भोजपुरी को एक अलग पहचान दिलाने में भी आपका भी एक अहम योगदान है सर, तो नए बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कुल मिला के जैसे सब लोग पढ़ाई करते हैं, अपने जीवन में कुछ पाने की कोशिश करते हैं, उस तरह से अगर हम कैरियर के रूप में अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे सफलता मिलेगी आपको, इसमें कहीं से भी शक नहीं है। बस उस तरीके से काम करना पड़ेगा, घर का थोड़ा सपोर्ट चाहिए, तो आप इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, मैंने पहले भी बताया। सर जैसा कि अभी आपने कहा कि घर का सपोर्ट चाहिए सर, तो जो हमारा समाज है ना, थोड़ा सा अभी भी ये कहने में कोई कोताही नहीं है मेरे को, और हमको कोई झिझक नहीं है कि हाँ अभी भी हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ये सोचते हैं कि अरे हमारे लड़की डांस करे नहीं, ये एक लैंग्वेज है जो कि होता है। तो सर ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि यदि एक होता है ना कि लड़का लड़की, ये गर्ल्स एंड बॉयज़ का जो भेदभाव है अभी हमारे समाज में, तो वो कैसे लोग कर पाएंगे? भेदभाव था भी, है भी, रहेगा भी, लेकिन अभी काफ़ी बदलाव हो रहा है और आने वाले दिन में और भी बदलाव होगा, क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है, डिजिटल ज़माना आ गया, सब कुछ चेंज हो रहा है। आजकल तो फ़ोन से ही दुनिया का सारा काम हो जा रहा है, एक शादी विवाह छोड़ के बाकी काम तो फ़ोन से ही हो जा रहा है। तो आने वाले दिन में ये सब कुछ चेंज होगा, क्योंकि ज़माना बहुत आगे जा रहा है, हम लोग अभी काफ़ी पीछे हैं, तो सब कुछ चेंज होगा। और अच्छे अच्छे घर से लोग आ रहे हैं, गाँव से भी आ रहे हैं, शहर से भी आ रहे हैं, और सारे लोग अच्छे से कर रहे हैं और करियर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, लोगों का प्यार पा रहे हैं, तो होगा। सर लगभग आखिरी सवाल, हमारे भोजपुरी में अश्लीलता है ये तो मानना पड़ेगा सर, और उस तरीके की फिल्में नहीं बन पा रही हैं जो कि फिल्में कभी एक नदिया के पार, जो कि आज भी वो फिल्म है, वो लोग देखते हैं एक साथ बैठ के, तो चाहे वो गाना हो या मूवी हो भोजपुरी, कहीं ना कहीं उसमें भी कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें मिल रही हैं जिसको लेके हम एक साथ नहीं देख पाते सर, ये सच्चाई है, तो ये कब ख़त्म होगी या कब कम होगी? देखिए समाज है तो गलतियाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं, ये और जीवन में कभी समाप्त नहीं, जब तक ये जीवन है, ये दुनिया है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। रही फिल्म बनाने की बात अच्छी और बुरी, तो फिल्में कोई बुरी होती नहीं है, क्योंकि आप जो सुन रहे हैं और आप पसंद कर रहे हैं, बाद में उसको गाली भी दे रहे हैं। तो फिल्में भोजपुरी में बहुत सारी फिल्में हैं, जैसे दिनेश जी की फिल्म देखिए आप, परिवार, रितेश पांडे की फिल्म देखिए, एक दो मैंने काफ़ी अच्छी फिल्में हैं, खेसारी की फिल्म देखिए, तो काफ़ी अच्छा अच्छा फिल्म बनाए इन लोगों ने। हाँ कुछ कुछ फिल्में हैं जिनमें शब्दों का गलत प्रयोग है, कुछ सॉन्ग्स भी गड़बड़ होते हैं, लेकिन वही लोग सुन रहे हैं, उसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आते हैं। हाँ सर व्यूज़ पर मैं बात करूँगा, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हमारे मिलियन में चल गई, मिलियन चला गया, विलियन चला गया, तो सर भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा जो कि आज
किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है वो, भिखारी ठाकुर भी हुआ करते थे सर। क्या उनको मिलियन और विलियन नहीं मिलता था तो क्या उनके गाने नहीं सुने जाते थे? नहीं, आज जो विलियन मिलियन, क्योंकि अब यूट्यूब का ज़माना है इसलिए ये चीज़ें हो गई हैं, पहले सीडी डीवीडी का ज़माना था तो उस समय सबसे ज़्यादा उन लोगों का बिकता था, वो गाते भी अच्छा थे। कुछ शब्द उस समय भी प्रॉब्लम था, ऐसा नहीं कि आज ही का शब्द ख़राब है, लेकिन उस पर लोग ध्यान देते, उसका गाने का तरीका अच्छा था इसलिए लोग पसंद करते थे। उन्होंने भी बहुत सारा गाना गाया है ऐसा नहीं है, लेकिन भोजपुरी एगो होला ना भाव के चीज़ होला, एक में कोनो कोनो शब्द के इस्तेमाल करे के पड़ेला जो हमनी के घर में बतियावे नहीं जाए बोले नहीं जाए, तो इस टाइप से कोई ऐसा नहीं है। धीरे धीरे लोग समझ जाएंगे, चेंजेज हो रहे हैं तो आने वाले दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ना वो गड़बड़ थे ना ये गड़बड़ है, बस अपना दिमाग को सही करना है, बाकी सब सही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप जाते जाते न्यूज़ सुपर सेवन के माध्यम से जो आपके व्यूअर जो आपको पसंद करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं और जो आपके काम को प्यार करते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले ये न्यूज़ देखने वाले जो लोग भी हम लोग अभी देख रहे हैं उन सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अच्छा लगे तो सबके अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अभी आप सुन रहे थे सुनील रॉक जी को, जो कि रॉक फिल्म प्रोडक्शन हाउस के डायरेक्टर और सह कोरियोग्राफर हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें की और बताया कि किस तरीके से हमारा भोजपुरी एक चरम सीमा पे जाएगा, किस तरीके से हमारे भोजपुरी में जो छोटे मोटे गलतियां छोटी छोटी हैं वो कैसे मिट पाएंगी, और किस तरीके से हम अपने भोजपुरी को और बेहतर बना सकेंगे, इन्होंने बेबाकी से अपनी बातों को रखा। हम बाकी और खबरों के साथ अब तक बने रहेंगे, चाहे वो बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, या वो चीज़ें जो आप तक छूट चुकी है, जिस जो आप तक नहीं पहुंच पाती है। न्यूज़ सुपर सेवन सच के साथ आप तक जुड़ा रहेगा। तब तक आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।